गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस अभी हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं प्रयागराज। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? तो गाइस अजीम का भी स्वागत कर लीजिए, काफी टाइम बाद अजीम दिख रहा है, पटना में था ही नहीं। ये इंडियन एयरपोर्ट पे पहुंच गया आज 8 अक्टूबर को प्रयागराज में, संगम में। संगम में से भी दिखेगा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ आर्मी के जो स्पेशल लोग हैं उन लोगों को पास मिलेगा। तो हम लोग घाट से पूरा व्यू देखेंगे, तो मिसाइल हेलीकॉप्टर सब देखेंगे, सब जितने सारे एयरक्राफ्ट रहेंगे सब कुछ आप दिखेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि 8 अक्टूबर जो कि इंडियन एयरफोर्स डे है, आज के दिन 8 अक्टूबर हर साल इस दिन मतलब मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और ये 1932 में ऑफिशियली ये क्या कहते हैं वो हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। हाँ तो गाइस मतलब पिछले साल गाजियाबाद में रखा गया था और इस साल प्रयागराज में। ये जो प्रोग्राम हो रहा है प्रयागराज में, एशिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, मतलब एकदम सिस्टम। और ये ब्लॉग देख के आपको इतना मजा आएगा, जिंदगी में कभी मजा आएगा, क्या बहुत मजा आई, बहुत मजा आई। तो गाइस आप लोग भी लिख के कमेंट में लिखिएगा कि मजा आया, और कमेंट सेक्शन पूरा जय हिंद से भर जाना चाहिए, भर जाना चाहिए सब। तो गाइस चलिए सीधे अब यहाँ से हम लोग ऑटो लेंगे प्रयागराज से, प्रयागराज मतलब यहाँ सिविल लाइन से सीधे जाने के पहले करेंगे 2 बजे। तो गाइस सबसे पहले जाएंगे रूम पे, नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर पहुँचेंगे सीधे संगम और दिखाते हैं आपको एक से एक नज़ारा अपने इंडियन आर्मी का सिस्टम जो है, और भी देशों का जो सिस्टम हैंग कर देते हैं सब कुछ दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं सभी लोग संगम अपने दोस्तों को। गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे सभी के सभी खतरों के खिलाड़ी बन गए हैं और जा रहे हैं एक पाइप के ऊपर से जो फिसला सीधे नाला के अंदर। तो चलिए चलते हैं हम भी अपने पहले अंश का परिचय दिखाते हुए। जो गिरा सीधे नीचे, गाइस देख सकते हैं बहुत ही तगड़ा। Thank you.
फिर आप लोगों को तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ का नजारा बहुत ही तगड़ा है।
का प्लेन एयरक्राफ्ट जो पहले
बस मिलते तो मिलते नहीं तो फिर सीधा स्टेशन, अगर दोस्त लोग मिलेंगे तो हम लोग रूम पे जाएंगे तो सीधे स्टेशन चलेंगे। इससे पहले भी देखते हैं क्या होता है। और गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होपफुली आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग।